जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शरीफ लगन। आज हम जा रहे हैं स्कारबरो बीच, बहुत ही मज़े का व्लॉग होगा। तला भाई वहां पर आपको जो है ना दिखाएंगे सर्कस करके के बीच के ऊपर किस तरह सर्कस करनी है। और माहौल जो है ना वो आज बड़ा गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। देखें मैं एक बात ही कहूँगा, जी जी तला, सारी जिंदगी काम में गुजर जाएगी, टेंशन परेशानियों में, हाँ जी ये कभी ख़त्म नहीं होगी जी। तो इंजॉय करना चाहिए, अपने बॉडी को अपनी माइंड को टाइम देना चाहिए और मस्ती करनी है, इंजॉय करना है। आज हम जा रहे हैं बीच पे 2-3 घंटे के लिए, इंजॉय करके आएंगे और नहा कर आएंगे, स्विमिंग करके आएंगे। स्विमिंग इज़ वेरी हेल्दी फॉर लाइफ, फॉर योर हेल्थ एंड ब्ला 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 और बाकी चीज़ें साथ साथ। बस हम रेडी हो रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं स्कारबरो बीच और आज तला भाई कह रहे थे कि मुझे स्विमिंग करनी है और काफ़ी देर हो गई हमने स्विमिंग की नहीं की। और बाकी है कि हम आपको दिखाएंगे स्कारबरो बीच पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो बाकी जो है ना, तला भाई मुझे बार बार कह रहे थे कि तू काला लग रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बता दें कि माशाल्लाह तला भाई कितने माशाल्लाह, देखे रंग इनका माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा रंग है इनका, और मुझे कह रहे हैं कि तू काला और मैं चिट्टा हूँ। और मुझे आप बता दें आप कमेंट्स में कि हम दोनों में से काला कौन है, ठीक है। हजारों लाखों कमेंट्स आते हैं, तो देखते हैं कौन जीतता है। ये मुझे टॉन्ट भी मार रहा है कि मेरे व्लॉग के ऊपर हजारों लाखों कमेंट्स आते हैं, देखते हैं तो कमेंट भी किया करें। हाँ देखते हैं तो कमेंट्स किया करें। अब आपने बताना है कि तला भाई माशाल्लाह कितने गोरे हैं और शहरी कितना काला है। थोड़ा बहुत अब ये देखें, इसने इस तरह क्वेश्चन किया है ना कि आप लोग मेरे ऊपर ही आ जाएंगे, इसने तला भाई कितने तोड़ से क्वेश्चन किया है। लेकिन आप लोगों ने इंसाफ करना है, ठीक हाँ है? बस ठीक है, इंसाफ हो गया, इंसाफ हो गया। तला भाई आप हाँ। काले की काले काले होना अच्छी बात है, देखो वो एक हाँ। काला उसने वो नहीं, मैं लेकिन मैं नहीं। वल्ला हबीबी कम टू पार्थ, हबीबी कम टू ऑस्ट्रेलिया ब्रदर। स्कारबरो बीच सारा स्विमिंग से पहले घूमना है तो उसके लिए ये बाइक्स हैं, यहाँ पे हायर कर सकते हैं आप। ये मेरे ख्याल से डालना है या टैप करना है आपने, और तला भाई चलो टैप करो ना, दोनों भाई बाइक्स। तो ये बाइक्स राइड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक जो है ना वो एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर इसके बाद इसको यहाँ पर स्कैन करना चाहिए, और स्कैन जब करेंगे तो फिर पैसे जो पेमेंट हो जाएगी, और पेमेंट होगी तो फिर जब हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाइक। खैर आगे आगे देखें, हम आपको सारा गाइड करेंगे। तला भाई साइन इन करें। तो यह हेलमेट अनलॉक हो गया जी, और यहाँ से हम खोलेंगे। ये तला भाई ज़रा बनाए ना, मतलब सबसे पहले हम नहीं, तो अभी जो है ना वो मैंने बाइक जो है ना वो कर ली है राइड, ठीक है। और मुझे थोड़ी सी हो रही है कन्फ्यूजन किस तरह चलानी है, लेकिन चलो मैं आपको दिखाऊं। तो ये इससे ये होगा कि आप जो है ना अपना तला भाई आ रहे हैं, तला भाई मेरी आवाज़ें दे रहे थे, और मैं ये जो बहुत मज़े की चीज़ है मैं दोनों चलते हैं जो है ना राइट साइड आप इस्तेमाल कर सकते हो। तला पीछे मुझे आवाज़ें दे रहा है कि मुझे भी ले जा साथ में, लेकिन मैं उसको नहीं लेके जाऊंगा। कहने का मकसद ये है कि इस तरह आप प्रॉपर विज़िट कर सकते हो, और विज़िट करने के साथ साथ जो है ना आप बीच देख सकते हो, और बाद में आप नहाओ, स्विमिंग करो, जो मर्जी करो, इन्जॉय करो। Thank you.
नो वन प्लान्स ए। तो यहाँ पर उन्होंने एक एंटीक गाड़ी जो है ना वो खड़ी की है। तो ये एंटीक है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर इंजन भी जो है ना उन्होंने निकाल दिया है, वो किसी ने ना ए में ला के घुसाई है अपनी गाड़ी। तो नो प्लान्स ए, तो अब वो प्लान बी के लिए जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट काम करना है मलिक तला साहब ने और मैंने, और वो मैं शेयर नहीं कर सकता क्या काम करना, पर गैप आज का व्लॉग इतना ही था। स्कारबरो बीच हम आए हैं, एंजॉय किया, घूमे फिरे हैं, स्विमिंग की है, और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और आप लोग का और फर्स्ट द पावा शरी फर्स्ट द पावा ओनली मिस्टर मलिक तला लावा।